नमस्कार दोस्तों, अगर आज जिंदा होते विपिन रावत तो क्या फिर भी यही हालात होते अग्निवीर और अग्निपथ को लेकर? जो आज हो रहा है, हमारे पहले सीडीएस विपिन रावत जो अब हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है, जिनकी नियुक्ति मोदी सरकार ने ही की थी और एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन हो गया। ऐसे में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या विपिन रावत का विजन क्या था इस अग्निवीर को लेकर, अग्निपथ को लेकर? क्या उनकी राय सेना के तीनों बड़े अधिकारियों से मिलती जुलती थी या फिर उनकी राय बिल्कुल अलग थी? विपिन रावत को लेकर आज एक चौंकाने वाला खुलासा मैं आपके सामने रखूंगा। उन बयानों को जो तर्क उन्होंने सेना को लेकर लिए थे, सीडीएस होते हुए उन्होंने खुलकर अपनी राय कई अखबारों में दी, एक एक करके वो अखबार की सुर्खियां मैं आपके सामने रखूंगा। पहले अखबार की उन सुर्खियों का हवाला मैं आपको देता हूं जिसमें सीडीएस जनरल विपिन रावत क्या कहते हैं। अब आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर वो कहते हैं, सीडीएस विपिन रावत, इंक्रीज इन रिटायरमेंट एज ऑफ जवान, व्हाट दिस कुड मींस फॉर इंडियन फोर्स। यानी वो तीनों सेनाओं के जवानों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने पर विचार करने की बात करते हैं। अब क्या होता है, क्या होता है उसका जिक्र भी जरूरी हो जाता है। यानी साफ है कि जनरल विपिन रावत जवानों की उम्र बढ़ाना चाहते थे, यह इन अखबारों से साफ हो जाता है। अब आपके मन में एक सवाल होगा, सवाल यह कि क्या और कैसे उम्र सीमा वो बढ़ाना चाह रहे थे रिटायरमेंट की। तो अब एक अखबार की और सुर्खियां मैं आपके सामने रखूंगा दोस्तों। ये अखबारों की सुर्खियां 5 फरवरी 2020 की है और ये खबर छपी थी एबीपी न्यूज की वेबसाइट पर। अब ये भी आपके सामने, जिसमें जनरल विपिन रावत के हवाले से ये खबर दी गई। और इस खबर में क्या लिखा था, इस खबर में ये लिखा था, मैं आपके सामने रख रहा हूं और इस खबर को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, जिसमें विपिन रावत कहते हैं तीनों सेना के जवानों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इस खबर के हवाले से वो आगे क्या बोलते हैं, अब वो भी सुनिए। विपिन रावत ने कहा कि सशस्त्र बलों के जवानों के सेवानिवृत्त उम्र बढ़ाई जा सकती है। जवानों की सेवानिवृत्त उम्र बढ़ाकर 58 साल तक करने की व्यवहारिकता की पड़ताल की जा रही है और इसके लिए सेना के तीनों अंग अध्ययन कर रहे हैं। और यह बात थी 5 फरवरी 2020 की, जिसका जिक्र मैंने आपके सामने किया। और रविवार को सेना के तीनों अंगों के उच्च अधिकारियों ने जो कहा वो भी आपके सामने है। स्कीम लॉन्च की गई, सेना के तीनों अंग काफी अरसे से इस पर विचार कर रहे थे। यह बात सीधे तौर पर इस स्कीम को लॉन्च करते हुए कहा गया। उम्र सीमा बढ़ाने की व्यवहारिकता की पड़ताल की जा रही है। विपिन रावत, मैंने तभी कहा आज हमारे बीच होते वो हमारे बीच में नहीं है, इसका पूरे देश को अफसोस है। मगर क्या उनका भी यही विजन था, वो यही सोच रहे थे जो आज अग्निवीर को लेकर कहा जा रहा है, जिस स्कीम को लॉन्च करने की बात की जा रही है? क्योंकि वो कुछ अलग जिक्र कर रहे थे। वो कैसे, अब आपके सामने। तीनों अंगों की चर्चाओं का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। वो क्या बोल रहे थे विपिन रावत, आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। उन्होंने बताया था कि अधिकारी और जवान का फर्क है, अधिकारी और जवान में फर्क होता है, वो खुद बताते हैं। और कहते हैं आगे कि वर्तमान में सेना में दो श्रेणियां होती हैं जिसमें अधिकारी और जवान शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारी 54 से 58 साल की उम्र के बीच रिटायर्ड होता है, सेवानिवृत्त होती है, लेकिन जवान 37 से 38 साल की उम्र में रिटायर्ड होता है। वो आगे बताते हैं कि जवानों से उनकी समस्या के बारे में विचार किया जा रहा है। यानी विपिन रावत ने, वो भी ध्यान से सुनिएगा जो आगे बात कही, विपिन रावत जो समझाना चाह रहे थे कि सेना के अधिकारी 58 साल की उम्र तक आर्थिक रूप से सुरक्षित रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस उम्र में उनके बच्चे
आम तौर पर अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं या फिर खड़े होने वाले होते हैं, लेकिन समस्या जवानों की है। बिपिन रावत आगे कहते हैं कि समस्या जवानों की कैसे है वो भी बताते हैं। जवानों को 18 से 19 साल की उम्र में भर्ती करने के बाद सेना उन्हें 37 से 38 साल में रिटायर कर देती है। उस उम्र में जवान को अचानक एहसास होता है कि उनकी तनख्वाह घटकर आधी रह गई और उनकी मुफ्त आवास और सस्ती स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा चली गई। दोस्तों, यानी हमारे सीडीएस विपिन रावत उनके लिए चिंतित थे, जवानों के लिए जो 15 से 17 साल नौकरी के बाद रिटायरमेंट जिनकी हो रही थी। मगर दोस्तों, एक बड़ा सवाल, ये तो 15 और 17 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट की बात थी, मगर अब तो 4 साल की नौकरी है, 4 साल की नौकरी का जिक्र किया जा रहा है। मतलब साफ है कि जब 37 से 38 साल की उम्र में फौजी रिटायर्ड होता है तब उसकी फैमिली की यह स्थिति नहीं होती कि वो आसानी से सरवाइव कर सके, जो विपिन रावत सोच रहे थे, जिसका जिक्र वो कर रहे थे। मगर बात यहीं खत्म नहीं होती। अब एक और अखबार की कटिंग भी मैं आपके सामने रखूंगा जिसका जिक्र कर लेते हैं। बात कर रहे थे विपिन रावत कि हम जल्द ही ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं उनके रिटायरमेंट की जिसकी मिनिमम एज बढ़ेगी, मैन पावर पर खर्चा देखा जा रहा है, एक जवान 15 साल के लिए सर्विस क्यों करे, वो 30 साल सर्विस क्यों नहीं कर सकता, हम ट्रेंड मैन पावर को लूज कर रहे हैं। ये विपिन रावत कहते थे, हमें क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर ध्यान देना होगा, उसकी जरूरत है क्वालिटी पर ध्यान देने की। अब मैं उसी 5 फरवरी 2020 की खबर पर आता हूं, एबीपी न्यूज की वेबसाइट पर जो ये खबर छपी थी जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था, 5 फरवरी 2020 का, तब जनरल विपिन रावत के हवाले से जो खबर छपी थी दोस्तों वो आपके सामने। वो कहते थे कि मुझे लगता है कि सेना के एक तिहाई कर्मी 58 साल तक सेवा दे सकते हैं, यानी मोर्चे पर जो हैं वो यंग रहे, जितनी बात में उनकी समझ पाया, मगर जो सेना की विंग है, जो अधिकारी हैं, 58 साल तक सेना में रहे। वो आगे कहते हैं कि एक जवान को 38 साल में घर भेजा जा रहा है, वो 70 साल तक जीवित रहता है और इसलिए 17 साल की सेवा के लिए 30 साल 32 साल पेंशन दे जाती है, पेंशन दी जाती है। जवानों को 38 साल की सेवा ही क्यों ना दे दी जाए, विपिन रावत कहते हैं, कहते थे 38 साल की सेवा क्यों ना दे दी जाए और फिर उसे 20 साल तक पेंशन दी जाए। हम इस प्रवृत्ति को पलट रहे हैं। अब क्या हो रहा है, 4 साल में ही आपको वापस जाना पड़ेगा, मतलब और सेना के जवानों से नौकरी करवाने की पैरोकारी कर रहे थे विपिन रावत और अब कहा जा रहा है कि सिर्फ 4 साल। अब फिर एक और अखबार का जिक्र मैं करता हूं, अखबार के इतर मैं उस प्रस्ताव पर भी आता हूं जिस प्रस्ताव का मैंने जिक्र शुरू में किया था। इस प्रस्ताव में क्या है, क्या होता है, इसमें होता है कि जल्द ही भारतीय सेना में बदलाव हो सकता है। सीडीएस के सामने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने सेना के जवानों और अधिकारियों की उम्र सीमा पर प्रस्ताव दिया है बढ़ाने पर। अब प्रस्ताव में क्या था, प्रस्ताव में यह था कि कर्नल और जो उनके समकक्ष हैं उनकी रिटायरमेंट आयु 54 से बढ़ाकर 57 करने का प्रस्ताव दिया गया और ब्रिगेडियर और उनके समकक्ष उनकी उम्र 56 से बढ़ाकर 58 करने का प्रस्ताव, यानी अधिकारियों की उम्र सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव था, मगर उसमें नीचे यह भी था कि जवानों की उम्र सीमा रिटायरमेंट बढ़ाने का भी प्रस्ताव था। यानी जो प्रस्ताव विपिन रावत की सोच में था वो प्रस्ताव इनके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि वो 4 साल की सेना की भर्ती का कहीं जिक्र नहीं करते हैं।
ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। और हां, चार साल बाद क्या, जैसे कि बेतुके बयान बीजेपी के नेता दे रहे हैं कि चार साल के बाद बीजेपी के दफ्तर के बाद अगर उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ेगी तो वो अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। एक उद्योगपति ने भी ये बात कही, उद्योगपति ने कहा कि प्राथमिकता देंगे। वो क्या प्राथमिकता देंगे, कौन सी नौकरी करवाना चाहते हैं? सवाल कई हैं और इन सवालों का जवाब तलाशना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि विषय देश के भविष्य का है, सेना का है, हमारे ब्रह्मास्त्र का है। ब्रह्मास्त्र मतलब हमारी सेना। तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो मेरा सवाल वहीं पर ही जस का तस खड़ा है कि क्या विपिन रावत होते तो वो इस अग्निवीर अग्निपथ स्कीम को खुद लॉन्च करते, वो खुद चाहते कि चार साल की नौकरी हो, लेकिन उनके पुराने बयान इस बात की तस्दीक नहीं करते। और विपिन रावत जैसे बहुत गंभीर व्यक्ति इसके लिए तैयार होते, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।